अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब भाई? होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई तो आप लोग खाते होंगे, लेकिन मटन वाइट कढ़ाई आप लोगों ने पहले नहीं खाई होगी। आज मैं आप लोगों को बहुत आसानी के साथ बताऊंगी कि कैसे बहुत आसानी के साथ और कम इन्ग्रीडियंट से किस तरह मटन वाइट कढ़ाई बना सकते हैं। मसालेदार ये मटन वाइट कढ़ाई मैं आप लोगों के साथ बना कर शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम 1 kg मटन शामिल करेंगे और साथ इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज आप लोग जितना आप लोगों को मसाला चाहिए उतना आप लोग इसमें शामिल कर सकते हो। साथ में इसमें खड़े मसाले शामिल करूँ, जिसमें है 1 मोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4-5 दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े और साथ इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इसमें 2 से 3 ग्लास पानी शामिल करके इसे प्रेशर लगाएंगे, मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, कम पानी शामिल करेंगे ताकि ये गोश्त में डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स करके इसको अच्छी तरह प्रेशर लगा देंगे कि बजने के बाद इसका टाइम नोट कर लेंगे। इसे सीटी बजने के बाद 15 मिनट इसको कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें हमारा गोश्त अच्छी तरह गल गया और इसमें थोड़ा सा पानी था। ये मैं हाई फ्लेम पे इसको खुश कर लूँगी। साथ ही इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है, 2 टीस्पून इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम कुछ और स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें है 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, नमक में कम इस्तेमाल कर रहे, पहले भी मैंने शामिल किया था, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया बारीक कुटा हुआ। बस ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप घी का, मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भुनाई मैंने कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही का, दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करेंगे। दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पैक क्रीम का, इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे। 1-2 मिनट में ये इसका घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और मटन कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो जाएगी। घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये देखें हमारी कितनी मज़ेदार सी मटन वाइट कढ़ाई बनके तैयार हो गई। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारी मटन कढ़ाई बहुत मज़े की बनके तैयार हुई है। आप लोग ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।